अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे टेली प्राइम में कंपनी सिलेक्ट करना, उसे चेंज करना, ऑल्टर करना और कंपनी को डिलीट करना। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि नई कंपनी कैसे बनाते हैं, साथ ही टैली स्टार्ट करना, कंपनी को बंद करना, टैली बंद करना और अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी बताया था। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि सिर्फ वीडियो देखने से लाभ नहीं होगा। यदि आपको इस वीडियो का सही लाभ उठाना है तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का अध्याय। यहाँ हमने टैली स्टार्ट कर लिया है। टैली स्टार्ट होते ही बाय डिफॉल्ट हमें कंपनी खुली हुई दिखाई पड़ रही है। ये वो कंपनी है जो हमने टैली में सबसे पहले बनाई थी। आगे बढ़ने के पहले कंपनी पर माउस से क्लिक करके कुछ ऑप्शंस और उनके शॉर्टकट्स के बारे में समझ लेते हैं। क्रिएट से आशय है कंपनी क्रिएशन से। इसकी सहायता से टैली में नई कंपनीज बनाई जाती हैं और इस ऑप्शन का उपयोग हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। ऑल्टर से तात्पर्य है कंपनी ऑल्टरेशन से। इसकी सहायता से टैली में हमने जो कंपनीज बना रखी है उन्हें बनाते समय हमने जो डिटेल्स दी थी उसमें अगर कोई चेंजेस करना हो या कुछ नया जोड़ना हो या हटाना हो तो वो इस ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। चेंज से आशय है चेंज कंपनीज। जब टैली में एक से ज्यादा कंपनीज ओपन होती हैं, तो हम जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं यदि उसकी बजाय किसी दूसरी कंपनी में काम करना हो तो इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। इसकी शॉर्टकट की है F3। सिलेक्ट से तात्पर्य है सिलेक्ट कंपनी से और इसका उपयोग टैली में बनी हुई किसी भी कंपनी को ओपन करने के लिए किया जा सकता है और इसकी शॉर्टकट की है Alt और F3। शट का आशय है शट कंपनी से यानी क्लोज कंपनी से। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है इसका उपयोग हम किसी कंपनी को बंद करने के लिए करते हैं और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl और F3। इसका उपयोग हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। स्केप की से वापस गेटवे ऑफ टैली पर चलते हैं। यहाँ पर हम आपको एक खास बात बता दें कि जब भी आप Alt प्रेस करते हैं तो उससे संबंधित जितने भी शॉर्टकट कीज हैं वो राइट बटन बार में दिखाई पड़ती हैं। इसी तरह जब आप कंट्रोल प्रेस करते हैं तो उससे संबंधित शॉर्टकट कीज दिखाई पड़ती हैं। इसका फायदा ये है कि यदि आप शॉर्टकट कीज भूल गए हो तो इस तरह से उन्हें आसानी से देख सकते हैं। इन्हें देखने का एक तरीका और है। यहाँ दिखाई दे रहे एरो के निशान पर क्लिक करें और यदि आप चाहें तो इन ऑप्शंस पर माउस से क्लिक करके भी उनका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए काम आरंभ करते हैं। यहाँ एक कंपनी पहले से ही ओपन है। दूसरी कंपनी ओपन करने के लिए Alt और F3 कीज एक साथ प्रेस करें। देखिए सिलेक्ट कंपनी वाली स्क्रीन आ रही है। हम अप या डाउन एरो की से उस कंपनी के नाम पर जाएंगे जिसे ओपन करना है और एंटर प्रेस करेंगे या सीधे उस कंपनी के नाम पर माउस से क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारे द्वारा सिलेक्ट की गई कंपनी ओपन हो गई है और वो बोल्ड अक्षरों में भी दिखाई दे रही है। आपको फिर से याद दिला दें जब भी हम टैली में कोई काम करेंगे तो वो काम जो कंपनी बोल्ड अक्षरों में दिखाई दे रही है यानी एक्टिव है उसमें होगा। चलिए अब चेंज कंपनी ऑप्शन को समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो कंपनीज ओपन है उसमें से जो कंपनी एक्टिव है उसके स्थान पर यदि आप कोई दूसरी कंपनी एक्टिव करना चाहते हैं तो माउस से उस कंपनी पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक्टिव कंपनी चेंज हो जाएगी या फिर आप F3 की प्रेस करें। ऐसा करते ही चेंज कंपनी वाली विंडो आएगी। लिस्ट ऑफ कंपनीज में से वो कंपनी सिलेक्ट कर लें जिसमें आप काम करना चाहते हैं और एंटर प्रेस करें। यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें। जब आप टैली में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जैसे कि अभी हम इस कंपनी में हैं और हमने डे बुक देखने के लिए K प्रेस किया। डे बुक के बारे में हम आपको आगे की वीडियो में समझाएंगे। ये देखिए यहाँ पर डे बुक ओपन हो गई है और यदि आप इस दौरान भी सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, चेंज कंपनी आदि ऑप्शंस का उपयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अब Alt ऑप्शन को समझ लेते हैं। उसके लिए पहले जरूरी है कि आप जिस कंपनी को Alt करना चाहते हैं वो ओपन हो।
यानी यहाँ दिखाई पड़ रही हो, और यदि ओपन ना हो तो उसे सिलेक्ट कंपनी की सहायता से ओपन कर लें। ध्यान रखें, अल्टर ऑप्शन सिर्फ गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन पर ही काम करता है। यदि आप गेटवे ऑफ टेली पर हैं तो ठीक, वरना एस्केप की प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टेली पर आ जाएं। यहाँ कंपनी पर क्लिक करें और डाउन एरो की से अल्टर पर जाकर एंटर प्रेस करें। अल्टर कंपनी की स्क्रीन आ जाएगी। लिस्ट ऑफ कंपनीज में से वो कंपनी सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करें जिसे आप अल्टर करना चाहते हैं। ये देखिए, कंपनी अल्टरेशन विंडो आ गई है और वो सभी डिटेल्स दिखाई पड़ रही हैं जो हमने कंपनी बनाते समय दी थी। अब यहाँ से आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं या जो भी नया जोड़ना चाहते हैं या कुछ हटाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपना पिन कोड बदल रहे हैं और यहाँ अपनी वेबसाइट का नाम डाल रहे हैं। आगे हमें कोई चेंज नहीं करना, इसलिए इस विंडो को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल और ए कीज को प्रेस करेंगे। चलिए अब हम इस वीडियो का आखिरी ऑप्शन भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप टैली में बनी किसी कंपनी को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं, यानी डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप जिस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं वो ओपन हो, यानी यहाँ दिखाई पड़ रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप गेटवे ऑफ टैली पर हैं तो ठीक, और यदि आप कहीं और हैं तो गेटवे ऑफ टैली पर आकर पहले कंपनी और फिर अल्टर पर जाना होगा। अल्टर कंपनी की स्क्रीन आ जाएगी। लिस्ट ऑफ कंपनीज में से उस कंपनी का नाम सिलेक्ट करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं और एंटर प्रेस करें। कंपनी अल्टरेशन स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझ लें कि किसी भी कंपनी को बहुत सोचने समझने के बाद ही डिलीट करें। यदि आपने कंपनी में कोई लेजर्स बनाए हुए हैं या कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हुए हैं तो एक बार कंपनी डिलीट होने पर उस कंपनी का पूरा रिकॉर्ड चला जाएगा और फिर आप उसमें से कुछ भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। कंपनी डिलीट करने के लिए कंपनी अल्टरेशन विंडो पर अल्टर और डी एक साथ प्रेस करें। इस तरह की एक छोटी विंडो आएगी। यदि आप कंपनी डिलीट करना चाहते हैं तो वाई या एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही फिर एक विंडो आएगी जिसमें आपसे वापस कंफर्म किया जा रहा है कि क्या आप कंपनी डिलीट करना चाहते हैं। यस के लिए वाई प्रेस करें। ऐसा करते ही कंपनी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। हम सिर्फ समझने के लिए ये काम कर रहे थे, वास्तव में हमें इस कंपनी को डिलीट नहीं करना है, तो हम नो के लिए एन प्रेस कर रहे हैं। स्केप की से वापस गेटवे ऑफ टैली पर चलते हैं और जो भी कंपनीज खुली हुई हैं उन्हें कंट्रोल और F3 की सहायता से बंद कर देते हैं। और अब आखिर में टैली से बाहर आने के लिए यानी क्विट करने के लिए कंट्रोल और क्यू कीज को एक साथ प्रेस करेंगे। दोस्तों, हर वीडियो में हम कुछ नई बातें विस्तार से बताते हैं और बाद में शॉर्ट में उनका उपयोग करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कुछ भी उपयोगी सीखने से आप वंचित ना रह जाएं, तो कृपया सभी वीडियोस को क्रमानुसार ही देखें। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किसी कंपनी को अल्टर और डिलीट कैसे करते हैं और साथ ही बताया सिलेक्ट कंपनी और चेंज कंपनी के बारे में। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैली में लेजर बनाते समय सही ग्रुप का निर्णय चार्ट ऑफ अकाउंट्स की सहायता से कैसे करें।